जय जिनेंद्र, मैं विनीता जैन आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक समाचार देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। लुधियाना शहर के गुड़ मंडी के नज़दीक मशहूर प्राचीन तालाब मंदिर में बीती रविवार शाम भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें आत्मा चैनल के MD श्री विनोद जैन सहित समूह इलाका निवासियों और अन्य भक्तों ने कार्यक्रम में भाग लेकर भगवान का गुणगान किया। लुधियाना शहर के गुड़ मंडी के नज़दीक मशहूर प्राचीन तालाब मंदिर में बीती रविवार शाम भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर आत्मा चरण के MD श्री विनोद जैन सहित समूह इलाका निवासियों ने कार्यक्रम में भाग लेकर नन्हे बच्चों और अन्य भक्तों द्वारा प्रस्तुत भजन सुनकर भक्ति रस का आनंद लिया और भजनों पर खूब नाचे। कार्यक्रम के अंत में आरती का आयोजन किया गया और देशभक्ति के गीत गाए गए। इस अवसर पर आए हुए भक्तजनों के लिए लंगर की व्यवस्था भी की गई थी। ओ तैनु कुट के कलेजे नाल लालवा, 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 सोने सुनखड़े मोहन नो मेरा प्यार करण नो जी कर दे, इस सोने सुनखड़े मोहन नो मेरा प्यार करण नो जी कर दे, ओ जी कर दे जी मेरा जी कर दे, जी कर दे जी मेरा जी कर दे। अज रंग दे बसंती चोला मेरा, 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 रंग दे बसंती चोला आए रंग दे आए रंग दे मेरा, रंग दे बसंती चोला 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 मेरा, रंग दे बसंती चोला। हम तालाब मंदिर के भवन दरबार में सभी खड़े हैं और हर वीरवार को यहाँ सत्संग बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और यहाँ सबकी मनोकामना पूरी होती है। जो 40 दिन आके माँ के दरबार में जोत जगा के और माँ के चरणों में हाजिरी लगाता है, इसी भाव से आता है और मनोकामना पूरी होती है। हम सभी यहाँ तालाब मंदिर के प्रांगण में जो हर रविवार को यहाँ पे हरि नाम संकीर्तन होता है वो लाइव आता है और इस मंदिर की मानता बहुत प्राचीन मंदिर है, ये इस मंदिर की मानता बहुत है। यहाँ पे जो भी मनोकामना किसी के मन में होती है वो ठाकुर जी अवश्य पूरी करते हैं। यहाँ पे ऐसे है ठाकुर जी जैसे साक्षात बोलते हों। आप भी सभी जो भी घर बैठ के यहाँ पे देख रहे हो प्रोग्राम, मैं उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आप भी एक बार आओ तालाब मंदिर में और देखो आके कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अरविंदर सराना की रिपोर्ट। भजन संध्या के बाद अब हम बात करते हैं शौर्य की। लुधियाना के ढोलेवाल चौक स्थित वीर महाराज प्रताप जी की जयंती के मौके पर एक विशाल यात्रा का आयोजन ऑल इंडिया हिंदू स्टूडेंट फेडरेशन के उत्तर भारत प्रमुख श्री परमिंदर सिंह भट्टी व अलग अलग संगठन की ओर से किया गया। बता दें कि मंजू सिनेमा स्थित बने महाराज प्रताप स्मारक से चलकर शहर के अलग अलग हिस्सों से होती हुई डुगरी रोड जाकर समाप्त हुई, जिसकी जगह जगह पर स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर ऑल इंडिया हिंदू स्टूडेंट फेडरेशन के उत्तर भारत प्रमुख परमिंदर भट्टी ने कहा कि महाराणा प्रताप के देशभूमि के लिए दिए गए बलिदानों को हमारा समाज और हिंदुस्तान कभी भी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ने जो देश के लिए काम किए हैं, इसी नक्शे कदम पर चलते हुए आज लुधियाना के अलग अलग हिस्सों में विशाल यात्रा निकाली जा रही है, जिससे लोगों को संदेश मिल सके कि जो महाराणा प्रताप जी ने देश के लिए काम किए हैं उसके प्रति जागरूक हो।
इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में सभी धर्मों को इकट्ठा कर एकजुट किया जाएगा ताकि किसी भी समाज में मतभेद पैदा ना हो सके। महाराणा प्रताप जिन्होंने मातृभूमि के लिए राष्ट्र प्रेम की एक अद्भुत उदाहरण पेश की, आज उनकी 478वीं जयंती के मौके पर ये यात्रा निकाली जा रही है जो शहर के मुख्य जगहों से होते हुए दुगरी मैरीलैंड होटल तक पहुंचेगी। महाराणा प्रताप हमारी धरती के वो वीर सपूत थे जिन्होंने राष्ट्र प्रेम के लिए अपने तन मन धन राजपाट तक को त्याग दिया, उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज महाराणा प्रताप जयंती का समारोह मना रहे हैं हम, लुधियाना में राजपूत सभा द्वारा मनाया जा रहा है, बल्कि ना सिर्फ राजपूत, इसमें सारे ही समुदाय के लोग शामिल हो रहे हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप जो थे वो एक राष्ट्र नायक थे, देश के लिए वो एक मिसाल थे और पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने एशिया के सबसे शक्तिशाली शासक अकबर के साथ टक्कर लेने की हिम्मत की थी। स्वाभिमान की मिसाल महाराणा प्रताप जी की जयंती महाराणा आज लुधियाना में जो हम सारे मना रहे हैं, तो आप सारे देशवासियों को हमारी तरफ से महाराणा प्रताप जी की जयंती के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। लुधियाना से कैमरामैन हनी के साथ अरविंदर सराना की रिपोर्ट। लुधियाना के पिनाकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मॉल रोड पर लगाई 2 दिवसीय प्रदर्शनी। इस एग्जीबिशन में इंटीरियर डिजाइनर, ड्रेस डिजाइनर के बच्चों ने सारे साल जो सीखा और अपने प्रतिभा के अनुसार अपने प्रोजेक्ट लोगों के सामने प्रस्तुत किए और उन्होंने सारे प्रोजेक्ट्स वेस्ट मटेरियल से बनाए। लोगों ने प्रोजेक्ट्स को सराहा और बच्चों की हौसला अफजाई की। पिनाकल के डायरेक्टर शैली अग्रवाल ने कहा, हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चों ने जो सारा साल सीखते हैं इस प्रदर्शनी के जरिए अपने हुनर को लोगों के सामने रखते हैं। इस मौके पर पंजाब सरकार OSD दमनजीत सिंह के साथ साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गुड आफ्टरनून, आई एम जसपाल, एडमिनिस्ट्रेटर पिनाकल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। आज हमने यहाँ पे 2 दिनों का एग्जीबिशन लगाया हुआ है जिसमें साल भर में बच्चों ने जो जो काम किया, हमारे इंटीरियर के बच्चे, हमारे फैशन डिज़ाइन के बच्चे, टेक्सटाइल डिज़ाइन के बच्चे और नेटवेयर डिज़ाइन के बच्चे, जो हम कोर्सेज बच्चों को कराते हैं, साल भर में इन्होंने जो भी मेहनत की है और थोड़े थोड़े टाइम में इन्होंने कैसे एक वेडिंग का थीम लेके जो ड्रेसेस बनाई है, या फिर इंटीरियर डिज़ाइन वालों ने जो फाउंटेन बनाए हैं, गजीबोज बनाए हैं और मिनिएचर्स बनाए हैं, पैसेज का डिवीजन बनाया है, इतना काम बच्चों ने थोड़े से टाइम में जो अपनी प्रेजेंटेशन दी है और जो अपने कैलिबर को दिखाया है वो काबिले तारीफ है। मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग फैकल्टी पिनाकल इंस्टीट्यूट से। यहाँ पे 2 दिन का एग्जीबिशन इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है जिसमें बेसिकली स्टूडेंट्स का फुल ईयर का वर्क है और उनके जो टैलेंट को एक मोराल अप करने के लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसमें इन सभी ग्रुप्स को कंबाइन किया जाता है। अपनी क्लास की असाइनमेंट्स बेसिस पे स्टूडेंट्स अपनी ड्रेसेस कंप्लीट करते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग स्टूडेंट्स के लिए उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट मटेरियल को एक रिसाइकलिंग फॉर्म में अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए वो आइडियाज़ इनोवेशन फॉर्म में ला के उनको इन्होंने डिस्प्ले सेटअप सारे रेडी किए हैं। बड़ी खुशी हुई बच्चियों का, तो बच्चों का एक कम देख के, तो सारों ज़्यादा खुशी ये हुई भी जो कंपनीज़ में या अपनी इंडस्ट्री में जो जॉब्स या जो टैलेंट चाहिए ये वो टैलेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिहड़े फैक्ट्रियां नूं जिहो जे कम्मां लई बच्चे चाहिए ने उहो जे कम्मां लई बच्चों नूं ट्रेन कर रहे हैं, बच्चों नूं जॉब्स मिल रही। सारों नूं वड्डी खुशी की गल यह है भी जिवें इन्होंने मैनूं दस्सिया कि बच्चों की 100% प्लेसमेंट हो रही है, नौकरियां मिल रही। अपने सारों नूं ज़्यादा प्रॉब्लम ही इस वेले यह है भी जॉब्स की घाट है। इसमें बच्चों ने पूरे साल का काम प्रेजेंट किया है, फैशन टेक्सटाइल्स, निटवेयर, इंटीरियर्स, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। वेस्ट मटेरियल से चीज़ें बनाई हैं, सिर्फ इंटीरियर्स ने नहीं, वेस्ट मटेरियल से फर्नीचर्स वगैरह बनाए हैं, बट वेस्ट मटेरियल से गारमेंट्स भी बने हैं, उसको भी रिसाइकिल किया है। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ बलबीर मल्होत्रा की रिपोर्ट। बच्चों की प्रतिभा देखने के बाद अब हम बात करते हैं बेरोजगार टीचर्स की। बेरोजगार DPE MPA शारीरिक शिक्षा अध्यापक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी केशव कोहली की ओर से प्रेस वार्ता की गई। इस अवसर पर केशव कोहली ने कहा कि पिछले 10 सालों से फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की कोई भर्ती नहीं की गई, हालांकि इस संबंधी कई बार 873 पोस्ट निकालने के लिए अखबारों में इश्तेहार भी निकाले गए। बेरोजगार DPE MPA शारीरिक शिक्षा अध्यापक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी
केशव कोहली की ओर से प्रेस वार्ता की गई। इस अवसर पर केशव ने कहा कि पिछले 10 सालों से फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की कोई भर्ती नहीं की गई, हालांकि इस संबंधी कई बार 873 पोस्ट निकालने के लिए अखबारों में इश्तेहार भी निकाले गए और करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिए गए, लेकिन एक भी शारीरिक शिक्षा टीचर की भर्ती नहीं की गई। उन्होंने कहा कि एक तरफा 2018 की खेल नीति बनाई गई है जिसमें स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी भी सैकड़ों स्कूल फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के बिना ही चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से बनाई गई पॉलिसी का यूनियन विरोध करती है, क्योंकि पॉलिसी में 15 नंबर कॉलम में शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की भर्ती के लिए मापदंड रखे गए हैं, जिसमें 50 नंबर का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रखा गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जी रखी गई है, वो पिछले 10 सालों तो जो शरीरिक सिक्ख्या अध्यापकों भर्ती लिए वक् नोटिफिकेशन कढ़े गए और करोड़ों रुपए जो सरकार ने इकट्ठे किए, पर उसके बदले सरकार ने किसी भी युवा बेरोजगार को फिजिकल एजुकेशनिस्ट शरीरिक सिक्ख्या वाले लोगों को किसी नौकरी नहीं दी। अज साड़ी सरकार अगे यही मांग है भी आप एक बने खेड नीति को प्रमोट करने की गल करते हैं, खेड विषय में लाजमी बुला की गल करते हैं या अपने सब्जेक्ट को प्रमोट करने की गल करते हैं, उन्होंने लिए जी भर्ती प्रक्रिया जल्द तो जल्द पूरी कर लेनी चाहिए है, ता जो सैकड़ा स्कूल जो खाली पे ने उन्होंने टीचर शामिल हो और बच्चों वो तो वा स्पोर्ट्स वाले तोड़े जाए। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आज भी मानवता जिंदा है। पिछले कई दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप पर नाभा के नौजवान गौरव की खबरें आ रही थी, जो कि ब्लड कैंसर की भयानक बीमारी के साथ पीजीआई चंडीगढ़ में जीवन मौत के बीच जूझ रहा था। आज सुबह गौरव बीमारी से लड़ाई हार गया और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गया। गौरव की मौत होने पर जहाँ उसकी पत्नी, माँ बाप गहरे सदमे में है, वहाँ गौरव के इलाज के लिए पिछले कई दिनों से उसकी मदद कर रहे उसके दोस्त और शहर निवासी भी गहरे सदमे में हैं। जिक्र योग्य है कि नाभा का 25 वर्षीय नौजवान गौरव पिछले कई दिनों से ब्लड कैंसर के साथ पीड़ित था, जो कि एक गरीब परिवार के साथ संबंध रखता था। इलाज महंगा होने के कारण उसके दोस्तों ने मदद को हाथ आगे बढ़ाते सोशल मीडिया पर और शहर के बाजारों में जाकर 8 लाख रुपए के करीब इकट्ठा भी किया, लेकिन उनकी सख्त मेहनत किसी काम ना आई और आज गौरव की मौत हो गई। गौरव की 6 महीने पहले ही शादी हुई थी, जिसकी मौत के साथ जहां उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, वहां उसके बुजुर्ग माँ बाप भी गहरे सदमे में हैं। गौरव का अंतिम संस्कार नाभा के तुही रोड स्थित शमशान घाट में किया गया। गौरव की मौत पर उसके दोस्त और शहर निवासियों ने शोक जाहिर करते हुए कहा कि गौरव को बचाने के लिए उनकी तरफ से सख्त मेहनत करते हुए सोशल मीडिया के जरिए लोगों की मदद के साथ इलाज के लिए पैसा जुटाया, लेकिन वो पैसा किसी काम नहीं आया और आज गौरव की मौत हो गई। कहा कि जहां एक तरफ आम लोगों की तरफ से गौरव के इलाज को खुलकर मदद की, वहां पंजाब सरकार और प्रशासन की तरफ से अभी तक परिवार की कोई मदद नहीं की गई। सरकार से मांग की इस भयानक बीमारी को खत्म करने के लिए सरकार जरूरी कदम उठाए। इस दुख घड़ी में गौरव के परिवार के साथ हम खड़े हैं। सर देखो, असी अपने दोस्तों ने जो भी जोर लाना सी लाया, बहुत जनता ने साडा साथ दिता है, पर असी सरकार नूं यही गुहार करांगे कि भी चलो गौरव तो सानू अलविदा कह के चला गया, बट ओदे सदके ओदे तो सबक लैके सरकार नूं घट्ट तों घट्ट इस बीमारी की रिसर्च करनी चाहिए है, तो इस बीमारी नाल पीड़ित जिहड़े लोग ने घट तो घट उन्हों का ध्यान रखा जाए, तो उन्होंने मदद करने वास्ते सरकार को वध चढ़ के अगे आना चाहिए कि भी सरकार जिस कामों वास्ते चुनी जाती है घट तो घट उन्होंने सरकार को देखना चाहिए। हाँ, प्रधान शेंटी जी ने साडे कमेटी के गुआढ़ी सके, अज गौरव जी की 6 महीने पहले ही शादी हुई है बड़ी चा दे नाल और बदकिस्मती दे नाल उन्होंने ब्लड कैंसर हो गया और लोगों ने तकड़े होकर फंड भी इकट्ठे किए, उन्होंने बचाने की कोशिश की, पर लेकिन अफसोस वो बच नहीं सकया। और मैं समझदा कि ऐसे अच्छे बच्चे का चलिया जाना जिहड़ा परिवार लई, इलाके लई, लोगों लई प्रेरणा स्रोत होवे, उहदा बड़ा दुख हुंदा। मैनू भी निजी तौर पर उन्हां दा दुख होया, मैं अपने वल्लों महसूस करदा कि एक अच्छा नौजवान साथों होया। नाभा से राजेश बजाज की रिपोर्ट। अब न्यूज से लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम, हाजिर होंगे कुछ देर बाद।
इस अल्प विराम के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे के समाचारों की ओर। देवरिया जनपद में सिंचाई विभाग की पोल उस समय खुल गई जब रात को नहर में पानी छोड़ा गया तो जनपद के ग्राम चिंतामंचक के पास नहर का किनारा टूट गया और पानी सड़क पर बहने लगा। देखते ही देखते पानी की धारा से सड़क भी टूट गई जिससे देवरिया बैकुंठपुर मार्ग में आवागमन ठप हो गया, साथ ही आसपास के खेत जलमग्न हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नहर रात से ही टूटी है लेकिन विभाग के लोग सुबह पहुंचे हैं और तब तक सड़क टूट गई जिससे आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। 2 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है। वहीं मौके पर मौजूद सिंचाई खंड के 2 अफसर अभियंता दिवाकर प्रसाद गौतम का कहना था कि अचानक सड़क धस जाने के कारण ऐसा हुआ है क्योंकि काफी लोडेड गाड़ियां जाती हैं। सभी कर्मचारी लगे हुए हैं, 3-4 घंटे के अंदर सब सही कर दिया जाएगा और आवागमन चालू हो जाएगा। मैं अचानक सड़क फंस जाने के कारण ये ओवरलोडेड ट्रक वगैरह चलती है और नीचे चूहा हुआ का कुछ सुराख रहा होगा हल्का फुल्का, जिससे फंसने से ये रात में ही ये टूटा है। और ये हमने कल शाम को 6 बजे पूरी रात दौड़ा की थी, सब ठीक ठाक था। यहाँ पर नहीं, रास्ता नहर टूटा हुआ है, आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। अभी तक प्रशासन इस समय प्रशासन आया और अभी काम चालू हुआ है, रास्ता नहर टूटा हुआ है तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। काफ़ी दिक्कत हो रही है, लोग को 2 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है। यूपी देवरिया से कुलदीप पाठक की रिपोर्ट। नहर विभाग का हाल देखने के बाद अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की। बीते दिनों में ऑल इंडिया चैंपियनशिप गोवा के दौरान यूनाइटेड गेम में अरमान कराटे स्कूल और नाभा भादसो के अलग अलग स्कूलों के विद्यार्थियों ने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल प्राप्त करके अपने स्कूल और माता पिता के साथ साथ नाभा का नाम रोशन किया है। कोच अरमान सिंह के नेतृत्व में नाभा में विद्यार्थियों का मुंह मीठा करवाया गया और सम्मानित किया गया, जिनमें खिलाड़ी जुगराज सिंह ने 1 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल अंडर 14 प्राप्त किया। गुरजिंदर सिंह अंडर 12 1 गोल्ड मेडल और प्रत्युष शर्मा ने अंडर 14 गोल्ड मेडल। अमृतदर सिंह अंडर 14 ने अलग अलग स्टेटों को हराकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। जीबी इंटरनेशनल स्कूल के खिलाड़ी गुरबाज सिंह ने स्केटिंग में 2 राउंड में अंडर 12 2 सिल्वर मेडल हासिल किए। इस मौके बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए अरमान सिंह ने गोल्ड और सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि यह खिलाड़ी 2 महीने बाद होने वाले इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हुए हैं, मुझे उम्मीद है वहां भी यह हमारा नाम रोशन करेंगे। इस मौके बच्चों के माता पिता ने बच्चों को अपने गले लगाया और विजेता बच्चों का मुंह मीठा करवाया। सानू उत्थे बहुत मजा आया, साडे कोच ने सानू बहुत अच्छी तरह टीच किया। उत्थे मेरी महाराष्ट्र तमिलनाडु नाल फाइट हुई, असीं उन्हां नूं गोल्ड मेडल प्राप्त किया। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋਵਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ ਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਰਤਮ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਤੇ ਅਰਮਾਨ ਕਰਾਟੇ ਸਕੂਲ ਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਕਰਾਟੇ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੇਟਿੰਗ 'ਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ, 2 ਈਵੈਂਟ 'ਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਫੋਰਨ ਵਾਸਤੇ। नाभा से राजेश बजाज की रिपोर्ट। गांव चौकीमान के निवासी रेलवे के बने अंडरब्रिज के पानी से परेशान, गांव में पानी ही पानी हुआ। जगराओं के गांव चौकीमान में बने रेलवे अंडरब्रिज से गांव निवासी बाहर ज्यादा परेशान है। जब बारिश होती है तो अंडरब्रिज के बीच पानी इकट्ठा हो जाता है। जब गांव के लोग अंडरब्रिज के नीचे से गुजरते हैं तो वहां पानी में गिरने का डर बना रहता है। मौके पर गांव निवासियों ने प्रेस को बताया कि हमने कई बार रेलवे के सीनियर अधिकारियों को और मनोयोग पार्षद के सीनियर ऑफिसरों को इसकी शिकायत की है, पर पार्षद ने हमारी एक भी नहीं सुनी और कई बार ब्रिज के नीचे से गुजरते ही कार और गाड़ियां फंस जाती हैं और कई बार जान जाने का खतरा भी बना रहता है। और गाँव निवासियों ने जमकर सरकार और रेलवे विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की, कहा कि सरकार को चाहिए कि इस अंडरब्रिज के पानी की निकासी का जल्द ही इंतजाम किया जाए। जगराओं से रोकी चावला की रिपोर्ट। लुधियाना में जोत सिद्धू प्रोडक्शन के अंतर्गत 9 जवानों का हुआ ऑडिशन। ये ऑडिशन हुआ ग्रैंड मेरिट होटल में। लुधियाना में जोत सिद्धू प्रोडक्शन के अंतर्गत 9 जवानों का हुआ ऑडिशन। ये ऑडिशन हुआ ग्रैंड मेरिट होटल में। इस मौके पर 9 जवानों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। आयोजकों ने बताया कि यह प्रोग्राम 1 महीने तक चलेगा और लुधियाना पंजाब के अलग अलग शहरों में बच्चों के ऑडिशन लिए जाएंगे। मॉडलिंग, सिंगिंग,
एक्टिंग के लिए ऑडिशन होंगे और जो लोग इस ऑडिशन में फाइनल तक पहुंचेंगे और जीतेंगे उन्हें जोध प्रोडक्शन द्वारा फ्री प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। जोध सिद्धू प्रोडक्शन वालों नवा शो लेके हाजिर हैं जी अज आप जिदा की नवा पंजाब टैलेंट ते जस गरेयाल ते जोध सिद्धू प्रोडक्शन वालों शो किया जा रहा है। अज पहला ऑडिशन है जी लुधियाना सिटी के ग्रैंड मैरियन होटल के बहुत भारी तादाद आई थिंक एंट्रीज हो चुकी हैं तो शोज अ बहुत वधिया प्लेटफॉर्म इन्हों जिहड़े कि कंटेस्टेंट्स विनर होणगे उन्हां नूं बहुत वधिया प्लेटफॉर्म मिलेगा। जोध सिद्धू उन्हां ने बहुत वधिया उपराला किया जी लुधियाने दे विच ते होर भी शहरां दे विच होऊगा ते नवी जनरेशन नूं अगे आउण दा मौका मिलदा। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। जोध सिद्धू प्रोडक्शन वल्लों जी आपां शो लैके आए पंजाब टैलेंट हंट इस दीआं कई शहरां दे विच ही आपां ऑडिशनस करनीआं जिद्दां कि मोगा अमृतसर जलंधर चंडीगढ़ दे विच ऑडिशनस करांगे जिहदा इहदा ग्रैंड फिनाले आपां जी नैक्सट मंथ लुधियाणे दे विच करांगे जी। इहदे विच साडी फस्ट ऑडिशन हैगी जी लुधियाणे दी होटल ग्रैंड मैरियन दे विच जो कि 18 जून नूं हो रही है। तो इस तों बाद जो साडी ऑडिशन है जी मोगा ओरेंज दे विच 24 जून नूं हो रही है जी उह ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲਿਆ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਨੀ ਕੇ ਸਾਥ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਰਾਨਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਆਜ ਕੇ ਸਮਾਚਾਰ ਬਸ ਇਹੀ ਤੱਕ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਆਤਮਾ ਚੈਨਲ ਮੈਂ ਵਿਨੀਤਾ ਜੈਨ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਂਗੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਚਾਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਜੈ ਜਨੀਤ।